अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आयशाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और एक बिल्कुल नए फ्रेश व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। और यहाँ पर जो मेरा व्लॉग है वो स्टार्ट हुआ है जी सुबह के टाइम से। यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए बड़ी ही मुश्किलों के साथ एक अदद अंडा, क्योंकि अभी जितनी भी मेरी पुरानी यूट्यूब फैमिली है जिन्होंने मुझे बहुत पहले से ज्वाइन किया हुआ, उनको आइडिया होगा कि मेरे लिए अंडा खाना बहुत मुश्किल है। सीरियसली, मुझे अगर ज़रा सी भी स्मेल आ जाए ना तो मुझसे नहीं खाया जाता। लेकिन ये है कि बहुत ज़रूरी है कि आप खाएं अंडा भी, ज़ाहिर सी बात है। तो मैं जो है इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लेती हूँ। अगर आपके पास मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं तो और भी ज़्यादा मज़े का बन जाता है। अभी मेरी तो ग्रॉसरी करने वाली थी तो मेरे पास तो सिर्फ ये टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें थी, मैंने ज़्यादा ऐड कर ली थी और थोड़ा सा मैंने स्पाइसी बनाया था, बड़ा मज़ेदार सा ये बन गया था। हेल्पर मेरी आगे चली गई थी, सुबह 9 बजे करीब मेरी हेल्पर आती हैं, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने सब सफाइयां करवा के ना, तो फिर मैंने अपना नाश्ता किया था। अपना नाश्ता मैंने सुकून के साथ बैठ के इंजॉय किया। तो उसके बाद जो है वो बच्चे एक एक करके उठना शुरू हो गए थे दोनों। तो बस ये बच्चों के लिए यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, दोनों ने फरमाइश करी थी कि हमने यही खाना है। अच्छा, इनका ना एक बड़ा कुछ ऐसा होता है कि एक चीज़ बड़ी ही फेवरेट हो जाती है जो पूरा वीक इनका फिर यही होता है। जैसे अगर सीरियल खाना है तो बस फिर सीरियल ही खाते हैं। अभी आजकल इनको फ्रेंच टोस्ट का एक इनका दौर चल रहा है, तो जो है ना रोज़ाना इनका ये होता है कि फ्रेंच टोस्ट बना दें। अभी बच्चों की छुट्टियां भी हैं, थोड़ा सा देर से उठते हैं तो चलो कोई बात नहीं। फिर इनके स्कूल खुलने ही वाले हैं, बस ये लास्ट ही वीक है। उसके बाद हुआ ये कि मैंने जो है ना अभी करनी है ग्रॉसरी अपनी, तो मेरे पास कोई भी चीज़ ऐसी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। चावल भी बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। मैंने सोचा था कि मैं कोरमा बनाऊंगी, लेकिन दही जो था वो घर में नहीं था और कोई लाने के लिए भी नहीं था। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है ये टमाटर के साथ। अच्छा, मैं आप लोगों को इसका फ़ीडबैक भी अभी मैं आपको दे दूं। ये जो है ना, आप समझ लें चिकन का एक सालन टाइप जो है ना ये बन जाता है, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश की थी थोड़ा सा कोरमे का इसके अंदर जो है वो फ्लेवर ले आऊँ, लेकिन वो दही के साथ जो होता है ना, बिल्कुल लाल प्याज हुई हुई और दही के साथ उसको ग्राइंड करके बनाते हैं, उसका मज़ा ही अलग होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया था, प्याज को लाल किया, साथ में चिकन डाल दी थी और कोरमा मसाला भी मैंने जो है वो पैकेट का ऐड किया था इसके अंदर। अच्छा, पैकेट के मसालों में ना मैं आपको बताऊँ, मुझे एक हलीम का मसाला बहुत यमी लगता है, इतना मज़े का, बिल्कुल बैलेंस्ड परफेक्ट हलीम बनता है पैकेट के मसाले से। और नहारी भी इसी तरह से बन जाती है, कोरमा भी बड़ा मज़े का बन जाता है। लेकिन अगर आप घर के मसाले से बनाएं तो वो भी बहुत ही सिंपल बन जाते हैं। वही वाली बात है कि अभी ग्रॉसरी नहीं की हुई थी तो सारी चीज़ें जो थी ना घर में मौजूद नहीं थी, पिसा हुआ गरम मसाला नहीं था, पिसा हुआ धनिया नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं पैकेट का मसाला ऐड कर लेती हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पर, हम लोगों ने खाना खा लिया था अपना, उसके बाद हम लोग चले गए थे अम्मी के घर और हस्बैंड जो थे ना वो मेरे घर पर ही थे, किसी वजह से उनका ऑफ था। तो पापा का हुआ था जी आँख का ऑपरेशन, उसके लिए भी मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे जो फ़ादर हैं उनका ऑपरेशन हुआ है तो जल्दी से वो रिकवर हो जाएं अच्छे से। उनका जो मोतिया का जो ऑपरेशन होता है ना वो था उनका, तो बस मैं यही पूछने के लिए आई थी कि मैं देख कर आऊँ, जब तक देख नहीं लेते ना तो तब तक तसल्ली नहीं होती। आप लोग भी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और यहाँ पर हम लोग बाहर आके ना अम्मी के टेरेस पे बैठ गए थे, इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा था, इतनी ठंडी हवा आजकल कराची में माशाल्लाह से इतना अच्छा मौसम है, बाकायदा प्लेजेंट मौसम जो होता है ना आप समझ लें बड़ा ही मज़ेदार वाला, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, हमने बड़ा ही इंजॉय किया। अम्मी घर भी आप समझ लें काफ़ी टाइम बाद मैं इस तरह से गई थी, काफ़ी देर हम लोग बैठे बातें की। और यहाँ पापा बता रहे थे कि उनका जो प्लांट था ना लीमू का, ये माशाल्लाह से इस पर इतने सारे लीमू लगे हुए थे, वो दिखा भी रहे थे। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम ऐसा करो कि इसको छोटे छोटे से ना क्लिप्स कैप्चर कर लो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और हरी मिर्च का पौधा था तो हरी मिर्च के ऊपर भी फूल आ गए थे। फिर अम्मी ने मुझे दिए भी थे लीमू, मैं लेकर आई थी घर, और बड़े ही फ्रेश और बड़े ही मज़ेदार किस्म के ना, घर में जो सब्ज़ी आप लोग उगाते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है। तो अच्छा, आज मेरा ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा व्लॉग था, उम्मीद ये कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे फादर जो हैं उनको दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से रिकवर करे।
उसके बाद अब आप लोगों के पास जो ब्लॉग्स आने वाले हैं ना, उसमें आप लोगों को काफ़ी सारे लंच बॉक्स आइडियाज़ भी मिलेंगे बच्चों के लिए। लंच में जब दोपहर में घर आते हैं उस वक्त आप लोग क्या बना सकते हैं झटपट मज़ेदार सा, उसकी भी रेसिपीज़ मिलेंगी, क्योंकि अभी बच्चे घर पे थे, रूटीन बिल्कुल आउट हुआ हुआ होता है। अब इंशाल्लाह ताला से एक हफ़्ते के बाद जो है वो स्कूल ओपन हो रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चों के मेरे हाल से हो भी चुके होंगे, तो सबकी ही रूटीन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है, बड़ी अच्छी बल्कि हो जाती है ना, सोने के उठने के टाइमिंग सेट हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ जो आपको पसंद आया होगा व्लॉग। अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, अगले व्लॉग में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।